कुछ ही देर में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो सकता है। सूत्रों से हमें खबर मिल रही है कि कैबिनेट बैठक से पहले ही मोदी कैबिनेट के 71 मंत्रियों का पोर्टफोलियो बंट जाएगा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ज्यादातर अहम मंत्रालय अपने ही पास रख सकती है। सहयोगियों की अगर बात करें तो जेडीयू के ललन सिंह और जेडीएस के एचडी कुमार स्वामी की मोदी कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, यानी कि कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय इनको मिल सकता है। तो ललन सिंह और कुमार स्वामी। जी न्यूज संवाददाता रवि त्रिपाठी और रविंद्र कुमार मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी बड़ी खबर पर। और रवि, अभी हम रविंद्र से इसी को लेकर चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि कैबिनेट की बैठक जो 5 बजे होनी है उससे पहले ये पोर्टफोलियोज की घोषणा हो जाएगी। 4:09 हो चुके हैं, क्या लग रहा है, कितनी और देर, कितना और इंतजार? सुबह से इंतजार ही चल रहा है। देखिए, अगर गौर करेंगे आप शोभना, तो 2014 में उसी दिन जिस दिन शपथ हुआ था, उस दिन लेट नाइट में आपको देर रात तक लिस्ट आ गई थी कि कौन से किस मंत्री को क्या विभाग दिया जाएगा। 2019 की बात करें तो 1 बजे दोपहर तक आ गया था, लिस्ट आ गई थी। लेकिन 2024 में चूंकि अलायंस की सरकार है, तो लग रहा है कि अलायंस के जो असर होते हैं, इफेक्ट्स होते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसका ये असर है कि ये लेट होता जा रहा, डिले होता जा रहा है। अब अभी तक हम लोग जाँच ही कर रहे हैं और देख ही रहे, लगातार मेल चेक कर रहे हैं कि राष्ट्रपति भवन से जो मेल आएगा, जो पोर्टफोलियो का एलोकेशन वाला, वो कब आएगा। तो अभी तक सुबह से कोई अपडेट उसमें नहीं हुआ है, आप कब आ जाए इसका इंतजार किया जा रहा। हो सकता है कि बैठक से पहले आ जाए, हो सकता है बैठक के बाद आ जाए, लेकिन ये आना तो है ही। देखिए, कुछ चीज़ें होंगी, हो सकता है पेज पसरा होगा कुछ मंत्रालय को लेकर जिनका आप नाम ले रहे थी। बिहार जरा इंपॉर्टेंट है, साथ साथ आपको जेडीयू और टीडीपी दोनों इंपॉर्टेंट अलायंस है, और साथ साथ आपको आपने जेडीएस का नाम भी लिया, तो जो बड़े मंत्रालय हैं उनका कैसे एलोकेशन करना है, क्या सीसीएस में किसी को जगह मिलने वाली है? लगभग तय माना जा रहा है कि सीसीएस में बीजेपी किसी को एंट्री नहीं देने वाली है। तो सीसीएस के अलावा जो बड़े मंत्रालय हैं, चाहे कृषि मंत्रालय हो, चाहे रेल मंत्रालय हो, चाहे पावर मिनिस्ट्री हो, चाहे आपको हेल्थ मिनिस्ट्री हो, चाहे आईटी मिनिस्ट्री हो, इन सबका एलोकेशन कैसे होगा, उसमें बीजेपी कितना स्टेक रखेगी और बाकी दलों को कितना देगी, क्योंकि फॉर्मर सीएम्स भी कई सारे हैं। और देखिए, एच डी कुमार स्वामी जो है फॉर्मर सीएम है, जीतन राम मांझी फॉर्मर सीएम है, शिवराज सिंह चौहान भी बीजेपी के कोटे से हैं लेकिन फॉर्मर सीएम है, तो तमाम सारे फॉर्मर सीएम को आपको एडजस्ट करना है। बिल्कुल, बिल्कुल रवि, और कल प्रफुल्ल पटेल ने जिस तरीके से अपनी नाराजगी जताई उससे ये तो साफ हो गया कि ये कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई कौन व्यक्ति, कौन नेता किस पद पर बैठ चुका है। बीजेपी की तरह ये सब पार्टियों में नहीं है अभी चलन कि मुख्यमंत्री को उपमुख्यमंत्री की शपथ दिला दी जाए, क्यों रविंद्र, मैं ठीक कह रही हूं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से प्रफुल्ल पटेल बोले कि पहले मैं कैबिनेट था, अब एमओएस इंडिपेंडेंट, ये डिमोशन हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन ये भी शायद बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा कि एक ही सीट जीते हैं आपने लोकसभा चुनाव में, आपका संगठन वहाँ लचर रहा और आगामी विधानसभा चुनाव में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, इस पर सवाल यह निशान लग रहा। बहरहाल, देखिए जीतनराम मांझी कैबिनेट दर्जा दिया गया है, ये एक, जबकि उनके पास एक ही सदस्य है, लेकिन उनके वरीयता को दिया गया, और उससे भी बड़ी बात कास्ट इक्वेशन को देखा गया है। दलित महादलित एक साधना है बिहार में 2025 के चुनाव में, तो जीतनराम मांझी को कैबिनेट बनाया गया है इसी कारण से। दो दो भूमिहार को रखा गया कि अपर कास्ट को खुश किया जाए, हालांकि राजपूत कम्युनिटी जो अपर कास्ट का वो उसमें नहीं है। तो अभी साधने का और वक्त है, 6 महीना बाद जनवरी में जब रिशफल होगा, तो उसमें इसमें कई मंत्रियों को विदाई होगी और नए मंत्री आएंगे जनवरी फरवरी में, ये तो तय मान के चलिए अगले साल 6-8 महीने बाद होना ही होना है। उसमें हो सकता है कि एनसीपी का भी उसमें नुमाइंदा हो, लेकिन पेच फंसा हुआ जो सीसीएस को लेकर और जदयू के लेकर ही है कि किस मंत्रालय को दिया। लेकिन रवि, मैं आपका भी रुख करना चाहूंगी, स्पीकर पद को लेकर भी मुझे जो खबर मिल रही थी कि टीडीएस जो है वो अब ये कह रहा है कि साहब हमें मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल में उतनी जगह की कोई चिंता नहीं, लेकिन आप हमें स्पीकर पद दे दीजिए, और कहीं ना कहीं जो बात है वो उस पर भी अटक रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता है। देखिए, टीडीपी के पास पहले भी स्पीकर का टीडीएस कह रही हूँ, सॉरी टीडीपी, मेरे को मेरा टैक्स जो तनखा में से टैक्स कट जाता है टीडीएस, वो दिमाग से नहीं निकल रहा है टीडीपी। बिल्कुल बिल्कुल टीडीपी, लेकिन एक खबर आ रही है कि हो सकता है कि आंध्र से ही बीजेपी की कोई नेता जो उनका नाम आज चर्चा में है पुरंदेश्वरी का, कि वो हो सकती है स्पीकर के तौर पे। अब लेकिन बीजेपी में संशय अभी तक चल रहा है, अभी भी देखिए पूरी प्राइवेसी मेंटेन की जा रही है, पूरी सेक्रेसी मेंटेन की जा रही है, लीकेज बचा के रखा जा रहा अभी तक। तो हो सकता है ये भी पिछली बार की तरह अचानक आए कि जिनका नाम आया पिछली बार स्पीकर के लिए, वो बिल्कुल चर्चा में कहीं नहीं था, बिल्कुल कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, सब मान के चलते थे। पहले ट्रेडिशन था कि जो सबसे सीनियर मोस्ट होगा, कम से कम 6 बार 7 बार 8 बार का जो जिसके पास एक्सपीरियंस हो, दूसरी बार के एमपी को स्पीकर बना दिया जाएगा, कोई सोच नहीं सकता था। लेकिन इस बार जो है, देखिए मैंडेट अलायंस को मिला है, मैंडेट खाली बीजेपी को नहीं मिला है, बीजेपी को अलायंस की बात माननी पड़ेगी और उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है रविंद्र,
चलते चलते आपसे एक जल्दी से सवाल जानना चाहती हूँ कि जितने चेहरे हम सोच रहे थे कि बीजेपी के अध्यक्ष बनेंगे, नड्डा साहब को तो हमें पता ही था कि मंत्रिमंडल में अब जगह मिलेगी, वो सारे चेहरे तो कल मंच पर मौजूद थे, तो अब एक सवाल मन में ये भी बढ़ा है कि अब बीजेपी का अध्यक्ष कौन बनेगा, क्या कोई जानकारी या कोई अपडेट आपके पास? देखिए, दो अभी नाम है, या तो विनोद तावड़े को बनाया जाए या फिर एल लक्ष्मण जो है वो दलित भी हैं और संसदीय बोर्ड के हैं, साउथ से आते हैं, तो हो सकता है कि लक्ष्मण का हो, बंगारू लक्ष्मण के बाद एक और लक्ष्मण अध्यक्ष बन जाए। हालांकि इसके बारे में भी कम से कम कह सकते हैं कि जून के बाद ही इस पर फैसला होगा।